पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजस्थान में तो पारा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। चुरू में पारा माइनस में पहुंच गया है। वहीं मंगलवार को राजस्थान के चुरू में पारा -0.5 तक पहुंच गया और इस सीजन में ये चुरू का सबसे कम तापमान रहा। पारा लुढ़कने से कई जगहों पर बर्फ जम गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी के शीशे और छत पर बर्फ की पतली परत जम गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सिधरा में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ट्रक से 4 आतंकवादियों के शव बरामद किए गए हैं। सिधरा के पास इस ट्रक को नाके पर रोका गया और उस वक्त जब चेकिंग की गई तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दिल्ली में 2 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 26 है। गुजरात में 5 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, 40 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो यहां पर 8 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, देश में कोरोना केसेस की संख्या 3,468 हो चुकी है। 24 घंटे में 141 कोरोना के मरीज रिकवर भी हुए हैं और जो नए मामले देश में कोरोना के सामने आए हैं वो हैं 88। तो 24 घंटे के अंदर 188 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 3,468 हो चुकी है। वहीं 141 मरीज ऐसे हैं जो 24 घंटे में कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। तो इंडिया में कोरोना का मीटर कैसा है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 3,468 हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 188 नए मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 141 लोग रिकवर भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिजान खान के फोन की जांच में पुलिस को कई लड़कियों के व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिसे शिजान ने डिलीट कर दिया है। वहीं जांच में पुलिस को शिजान और तुनिशा के बीच 6 महीने का चैट का डिटेल भी मिला है। ये चैट करीब 300 पन्नों का है। पुलिस की तफ्तीश शिजान की व्हाट्सएप चैट पर अब आकर टिक गई है। तो पुलिस लगातार शिजान के फोन से मिली चैट्स को रिट्रीव कर रही है और इसके साथ साथ जो चैट्स मिली हैं उनकी भी जांच जारी है। हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह मुंबई से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अब इन्वेस्टिगेशन में, खासतौर पर फोन के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ शिजान का फोन खुला है, तुनिशा का फोन खुलना भी बाकी है? बिल्कुल, देखिए तुनिशा का जो फोन था वो एप्पल का फोन था, साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है उस फोन का डेटा रिट्रीव करने के लिए, लेकिन शिजान के फोन से बेहद अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल शिजान के फोन से इस तरह की जानकारियां मिली है कि वह कई अन्य लड़कियों के साथ संपर्क में था और जिस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात इंडिया टीवी ने पहले ही अपने दर्शकों को बताई थी, उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर सामने जानकारी आई है कि उसके साथ रिलेशनशिप में भी था शिजान। इसके अलावा भी कुछ अन्य लड़कियों के साथ भी उसके व्हाट्सएप चैट की बात सामने आ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रिलेशनशिप किस हद तक था, क्या इसकी वजह से ही जो है ब्रेकअप किया गया, क्योंकि अभी तक जो भी बातें शिजान ने बताई है वो इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने जैसी स्थिति में है अभी तक जो जांच एजेंसी है वाली पुलिस की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो, यानी कि कल रात को जो बयान दिया है कि अपने कैरियर पर फोकस करना चाहता था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले श्रद्धा और आफ्ताब का नाम लिया गया, ये बताया गया कि परिवार राजी नहीं था, धर्म की बात कही गई जा और रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर इस मामले में आ रही है, शिजान की दूसरी गर्लफ्रेंड, एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड, उसका बयान भी जल्द ही दर्ज होगा। इस गर्लफ्रेंड के साथ शिजान ने डिलीट की थी अपनी व्हाट्सएप चैट्स को। दरअसल शिजान इस लड़की के साथ भी व्हाट्सएप पर चैट करता था और इसी का जिक्र तुनिशा की मां ने भी किया था कि किसी और लड़की के साथ भी शिजान इन्वॉल्व था और अब उस लड़की के व्हाट्सएप चैट्स को भी पुलिस आधार बनाकर इस मामले की जांच करेगी, लेकिन अभी उन चैट्स को रिट्रीव किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।